आम आदमी पार्टी ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के तहत प्रदेश कार्यालय में दिल्ली से आए सुरेश कठैत और प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने प्रथम चरण की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूर्ण की, जिसमें भोपाल नगर निगम महापौर सहित समस्त नगर पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों ने प्रत्याशी चयन फॉर्म जमा किए। आम आदमी पार्टी ने प्रथम चरण की प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पूर्ण की, जिसमें भोपाल संभाग के समस्त भोपाल नगर निगम महापौर सहित समस्त नगर पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों ने प्रत्याशी चयन फॉर्म जमा किए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली की तर्ज पर लड़ेगी। लोगों को दिल्ली में पार्टी द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आप अपने प्रत्याशी उतारेगी। पंकज सिंह ने बताया कि अभी तक पूरे प्रदेश से 1,159 फॉर्म आम आदमी पार्टी प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिसमें वांछित दस्तावेज संकलन न होने के कारण कुछ आवेदन निरस्त किए गए हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में पहली लिस्ट जारी होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक सुरेश कठैत ने कहा कि आम आदमी पार्टी 4,400 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा को केवल आम आदमी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। प्रदेश में कांग्रेस विकल्प में भी नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।